मुझे पता था कि लोग बदल जाते हैं, मगर मगर मैंने कभी तुझे उन लोगों में गिना ही नहीं था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि हम आज इसमें सीखने वाले हैं कि हम लोग पोइट्रीज कैसे बनाते हैं या शायरी कैसे बनाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चलती है टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम रील पर, यूट्यूब पर, शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा रिकमेंड में रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये बनती है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसे बनाने के लिए देखिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, या फिर आप किसी और की आवाज भी ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो रिकॉर्ड करता हूँ वो ये जो आपको रिकॉर्डर दिख रहा है ये वाला, इसमें रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप जिस भी एप्लीकेशन में रिकॉर्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रख रखी है अपनी आवाज़ को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा पिंटरेस्ट को, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी फ़ोटोज़ देखने मिल जाती हैं। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर पोइट्रीज के से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जैसे कि मुझे ये थोड़ी ठीक लग रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड इमेज आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, अलाउ कर देते हैं, तो ये डाउनलोड इमेज हो गया है हमारा। इसे हटा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर काइंड मास्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों, काइंड मास्टर का मेरे पास मोड वर्जन है, आपको पता है कहाँ से डाउनलोड करना है, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे कि काइंड मास्टर किस तरह से डाउनलोड किया जाता है तो मैं आपको अलग से इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें सिर्फ हम ये सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी वीडियो क्रिएट करते हैं पोएट्री वाली। तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम अपना साइज चूज कर लेंगे। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो रेशियो सबसे फर्स्ट वाला है 16:9, और अगर आप टिकटॉक या फिर आप बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम रील के लिए तो 9:16 का आपको रेशियो रखना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल के लिए ये ले लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये हमारी गैलरी खुल जाती है, जहाँ भी हमारी पिक्स हैं वहाँ से हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो मैंने जो एक पिक डाउनलोड करी थी ये रही, मैं इसे इस पर क्लिक करके सिंपली और नीचे कर देता हूँ, इसे काट देते हैं। अब ये हमारी पिक्स आ चुकी है, इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर काम करना है कि अपनी ऑडियो को इनपुट करना है। तो ऑडियो हमारे पास कहाँ है? ऑडियो मिलेगी यहाँ ऑडियो वाले सेक्शन में, और यहाँ सबसे नीचे जाएंगे आप फोल्डर में, जिस भी फोल्डर में आपकी ऑडियो पड़ी है वहाँ से इसको अपलोड करके यहाँ पर डाल सकते हैं टाइमलाइन के अंदर। तो और हाँ, ख़ास बात आपको ये याद रखनी है कि आपकी ऑडियो जो होनी चाहिए वो MP3 के अंदर ही होनी चाहिए। मैंने ये वीडियो 14 सेकंड की है, मैंने पहले से ही नॉइस वगैरह रिमूव करके पहले से ही मैंने एडिट करके थोड़ा सा रख रखा है इसको। आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो और बना दूंगा, जिसमें आप रिकॉर्ड करने से लेकर किस तरह से ऑडियो को एडिट करते हैं प्रोफेशनली तौर पर, उसमें आपको मैं सिखा दूंगा। तो चलिए, फिलहाल हमारा इसमें जो मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम लोग सिर्फ पोएट्री बनाएं। आवाज़ हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो हम इस पर सिंपली टैप करेंगे, प्लस आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से प्लस पर क्लिक करने के बाद आप इसे क्रॉस कर दीजिए, देखिए टाइमलाइन पर आ गई आपकी आवाज़। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा काम होता है हमें कि हमें टेक्स्ट कैसे लिखने हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे काट देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ इसको। तो काटने के लिए कैंची आती है इसके अंदर, देखिए यह है जी ट्रिम। तो यहाँ से हमें, अगर हमें लेफ्ट हैंड का पार्ट काटना है तो हमें सबसे ऊपर वाला लेफ्ट वाला, देखिए आपको थोड़ी सी कैंची दिखाई दे रही होगी बनी हुई, उस पर क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट एरिया कट जाएगा। और अगर आपको राइट हैंड का काटना है, जैसे मुझे इधर का राइट हैंड का काटना है, तो आप राइट हैंड पर क्लिक कर सकते हैं राइट ट्रिम पर, तो ये कट जाएगा। अब ये हमारी सिंपली फ्रेश बिल्कुल एकदम ऑडियो है, इसे एक बार सुन लेते हैं एक दफ़ा। मुझे पता था कि लोग बदल जाते हैं, मगर मगर मैंने कभी तुझे उन लोगों में गिना ही नहीं था। तो ये हमारे पास में पोएट्री है। तो अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, और अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारे पास में इसमें टेक्स्ट लिखना। तो टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको टी, तो इस पर सिंपली आप क्लिक कर देंगे, ये कर दिया, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखना क्या है पहले देख लेते हैं। इसमें मैंने कोई सा भी रैंडमली कोई भी नंबर चूज करके डाल देते हैं इस तरीके से। अब पहले इसकी सुन लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये लिखना है हमें, मुझे पता था कि लोग बदल जाते हैं। तो मुझे पता था कि लोग
बदल जाते हैं। ये देखिए, अब ये थोड़ा टेक्स्ट लंबा हो रहा तो मैं इसको यहां से थोड़ा सा दो हिस्सों में बांट दूंगा। मुझे पता था, यहां से ये देखिए इस तरह से। अब इसे ओके करते हैं तो ये देखिए हमारे पास में आ चुका है। अब इसको सिंपली हमको क्या करना है, इस पूरी लाइन को आगे तक ले जाना है, लेयर वाई लाइन को, यानी कि हमारी जो टेक्स्ट वाई लाइन है उसको आगे तक ले जाएंगे। अब इसे पहले इफेक्ट लगाएंगे, एनिमेट करेंगे, फेड लगाता हूँ मैं ज़्यादातर, तो ये मैं 1 और 0.5 के बीच में कर रहा हूँ, तो इसे थोड़ा सा अभी तक लास्ट वाले में, तो ये आउट दिखा रहा होगा आपको, आउट एनिमेशन, तो यहाँ पर भी फेड लगाऊंगा मैं 0.1 से लेके 0.5 के बीच में, और इसे बैक कर देते हैं हम। इसके बाद अभी देखिए जब आएगा तो हल्का सा ये इस तरीके से देख रहे हैं आप किस तरीके से। अब हमें फॉन्ट चेंज करना, तो मैंने बहुत सारे फॉन्ट्स पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों को नहीं पता कहाँ से फॉन्ट्स आते हैं, तो देखिए आपको ये ऊपर राइट हैंड पर 3 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, प्लस मिल जाता है, एक ये घर बना हुआ सा है और एक ये राइट का निशान है। तो आप अगर घर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ देखिए टी लगा हुआ है, तो आप इनमें से जो अच्छा लगे आप बहुत सारे फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी पोएट्री से रिलेटेड या आपको जो भी पसंद हो वो आप कर सकते हैं। फिलहाल इसे बैक करते हैं, मैंने बहुत सारे डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं ज़्यादातर जो लगाने की कोशिश करता हूँ वो ये लगाने की कोशिश करता हूँ जो आपको ये दिखाई दे रहा है। इसे ओके कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से ये लग गया है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में काम बस्ता देखते हैं। मुझे पता था कि लोग बदल जाते हैं। ये यहाँ तक हमारा ये जो बोल रहा है पोएट्री, यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाता है एक हिस्सा। उसके बाद इसको हम रिमूव कर देंगे, इस तरह से स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद फिर अगला पार्ट सुनेंगे हम, क्या है, मगर है। तो मगर इससे पहले थोड़ा सा ये काट देते हैं और यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, एक इस पर क्लिक करके कैंची पर क्लिक करा और ये स्प्लिट कर दिया, तो ये दो हस। अब यहाँ पर हमें इसमें मगर लिखना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे ऑल और इसे काट देंगे और सेल पे लिखेंगे मगर और डॉट 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 कुछ कर देता हूँ मैं, या फिर मगर मैं ये वाला मार्क लगा देता हूँ मगर, तो ये देखते हैं कैसा आता है मगर। मगर मैंने कभी, अब यहाँ पर आ जाते हैं मगर मैंने कभी तुझे, तो यहाँ से यहाँ के तक हमें रखना है, तो इस पर हम फिर से स्प्लिट कर देंगे और ये मगर, मैं सुन लेता हूँ एक बार क्या है, मगर मैंने कभी तुझे, इसे सेलेक्ट करेंगे फिर से डिलीट कर देंगे, फिर लिखेंगे मगर मैंने कभी तुझे, तो देखते हैं आप सुन के सही आ रहा नहीं। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, अब देखते हैं कभी तुझे उन लोगों में, अब यहाँ पर उन लोगों में गिना ही नहीं था, इसे थोड़ा सा कट कर देते हैं यहाँ से, एक्स्ट्रा पार्ट है, उन लोगों में गिना ही नहीं था, देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब जब हम बोल रहे हैं तभी हमारे टेक्स्ट आ रहे हैं, तथा जिन लोग बदल जाते हैं, मगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए मगर मैंने कभी तुझे उन लोगों में गिना ही नहीं। तो ये हमारी पोएट्री लिखने वाली कंप्लीट हो गई। अब हमें इसके अंदर लगाना है म्यूजिक, तो बैकग्राउंड म्यूजिक आप चाहे तो खरीद सकते हैं, चाहे आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर YouTube लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता YouTube लाइब्रेरी में जितने भी म्यूजिक हैं वो कोई भी म्यूजिक आपका पोएट्री के लिए नहीं बना हुआ है, वो आपकी वॉइस पर या आपकी पोएट्री पर मैच करेगा ही नहीं कभी भी। क्या आप यूट्यूब से कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ऐसा म्यूजिक जो कॉपीराइट फ्री हो, तो आप लिखेंगे यूट्यूब पर के बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट फ्री, तो आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में जो लगाता हूं म्यूजिक वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ये है जो मैं अपनी पोएट्री पर म्यूजिक लगाने वाला हूं, तो इसे यहां से थोड़ा काट देता हूं क्योंकि ये फालतू का स्पेस है, और यहां से मेरी जो पोएट्री का म्यूजिक है वो शुरू होता है, तो देखते हैं कैसा है।
तो यहाँ पर आपको म्यूजिक थोड़ा सा बहुत ही वॉल्यूम कम रखना है ताकि आपकी आवाज़ ठीक तरह से सुनाई दे। और म्यूजिक थोड़ा कम, मैं 30 के आसपास चेक करता हूँ। मुझे पता था कि लोग बदल जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ एंड में देख लेते हैं थोड़ा सा, लोगों में गिनाई, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम इतना रखेंगे, उसे काट देंगे बाकी का म्यूजिक। अब अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें काफ़ी कुछ इसके अंदर करना है। तो वो क्या करना है ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमें जो फ़ोटो है इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ये देखिए अभी किनारे इसके जो है ब्लैक हो गए हैं, थोड़ा सा और एडजस्ट में जाके मैं थोड़ा सा इसको इसकी सेचुरेशन बढ़ा दूंगा ताकि कलर इसके थोड़े बढ़ जाएँ। ये देखिए, और इसका गेन जो है वो कम कर दूंगा ताकि ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाए और हमारे टेक्स्ट जो है बिल्कुल प्रॉपरली हमें दिखाई दें। तो हम ओवरले में जाएंगे। ओवरले में जाने के बाद हमें यहाँ पर सबलाइम और ये स्पार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये इस तरीके से हम लगा देंगे पूरी वीडियो के ऊपर। और ये आपको पता है कहाँ से मिलेगा, मैंने ये बताया था, जहाँ से टेक्स्ट मिलेंगे प्ले स्टोर से जाकर। इसका जो खुद का अपना प्ले स्टोर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ राइट हैंड पर आपको दो निशान बने हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ये होम वाला और एक ये प्ले वाला। तो आप जब होम पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर कोई सा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ फंक्शन बहुत सारे हैं, तमाम सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये खुद का काइन मास्टर का अपना प्ले स्टोर है, आप यहाँ से काइन मास्टर का कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखते हैं प्ले करके कैसा आ रहा है। मुझे पता था, ये देखिए। तो इसे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी को हम कम कर देंगे, हल्का सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब देखते हैं। मुझे पता था कि लोग बदल जाते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो ये हमारा बहुत अच्छा हो गया। अब हमें नीचे की तरफ को लोगो लगाना है और हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो लोगो लगाने के लिए बहुत सिंपल है, हम इसी को टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे यानी डुप्लीकेट कर लेंगे। ये डुप्लीकेट हो गया, अब इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। टेक्स्ट चेंज करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर YouTube, और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख दूंगा मेरे जज्बात, जहाँ पर मैं इसे अपलोड करने वाला हूँ, मेरे जज्बात। बस यहाँ से इसे ओके कर देंगे। अब उसे इसे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे यहाँ पर, या फिर इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में इसे थोड़ा तस्वीर को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ मैं टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। टेक्स्ट चेंज करने के लिए मैं जो लगाता हूँ अक्सर अपनी वीडियोस में, वो इसे देखता हूँ, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा और छोटा करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सिनेमेटिक लुक देने के लिए आप यहाँ आएंगे टेक्स्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप क्लिक करके फर्स्ट वाले को कैप बड़ा कर देंगे 50 तक। तो यहाँ पे इसे हम बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया। अब इसे पूरी वीडियो के ऊपर कर देंगे हम यहाँ तक, और इसे यहाँ थोड़ा सा यहाँ तक कर देंगे बस। तो देखिए कितना खूबसूरत हो गया, बढ़िया। अब हमें एंड में क्या लगाना है, एंड में भी कुछ लगाना है। तो एंड में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं इस लेयर को, और इसे हम यहाँ तक ले आएंगे, और इसे इतना मैं काट दूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है। और यहाँ पर मैं जो हम ब्रोकन हार्ट की ऊपर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, देखिए इमोजी लगाएंगे हम। तो मैं एक तो रोज़ लगा दूंगा 100%, एक ये और एक रोज़, ये आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये मैं लगा दूंगा। इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे तो हम बिल्कुल सीधा सीधा ले लेते हैं ये वाला। तो देखेंगे अब आप, तो ये इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो अब हमारे पास में ये पूरी पोएट्री तैयार हो चुकी है। एक बार इसे फाइनल लुक देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऑप्शन में, अब होता ना कि शुरू में जब वीडियो स्टार्ट होती है तो ब्लैक पार्ट आता है, और फिर एंड में जब वीडियो ख़त्म होती है तो ब्लैक पार्ट आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ मास्टर, ये वॉल्यूम, ये जितने भी हैं आपको ऑन कर देने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। इसे थोड़ा पीछे कर देंगे अराउंड 1 सेकंड के आसपास, ऐसी वो वीडियो के अंदर भी है। तो यहाँ से इसे भी 1 सेकंड के आसपास करेंगे और इसको भी 1 सेकंड के आसपास कर देंगे। अब देखिए बढ़िया, और एंड में जब जाएंगे तो ये देखिए। तो अब इसको हम सेव करेंगे। अब सेव करने के लिए क्या करना है हमें, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक सबसे राइट हैंड पर टॉप पर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे।
अब इसमें आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, आपके मोबाइल के हिसाब से मिलेंगे। मैं 180 पे इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं 30 पर फ्रेम सेकंड रखता हूँ, 30। और इसे हाई करने के बाद इसे ये आपके में इस तरह से होगा, तो आप इसको हाई कर दीजिएगा पूरा। यहाँ आपको MB दिखाएगा लेफ्ट हैंड के साइड में कि कितनी MB में अबाउट बनकर आएगा, तो 57 MB दिखा रहा है अराउंड, लेकिन मुझे नहीं लगता 57 MB का बन के आएगा, ये तकरीबन ऐसे ही 10 MB का बन के आएगा। और इसे हम ओके कर देते हैं, सेव एज वीडियो, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। चलिए गैलरी में देखते हैं किस तरह से हमारी वीडियो आई है। तो ये गए हम गैलरी के अंदर और गैलरी में हमारी सबसे पहली वीडियो 15 सेकंड की ये हुए, हम इसे प्ले करते हैं। तो ये देखिए बदल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक देखते रहिए हमारे इस चैनल को।